गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मॉर्निंग की क्लिप है। ये मैं कल एडिटिंग नहीं की थी, ये कल का है। कल था 9 तारीख और उसके बाद से मैं झाड़ू लगा ली हूँ और ये चाय बनाने जा रही हूँ। मेरी चाय भी रेडी है। ये अर्णव अभी सोया है, मैं इसको उठा रही हूँ और उसके बाद से मैं चाय मॉर्निंग में पहले पी लूँ, फिर कोई काम करूँगी। ये मेरा चाय है। अब उसके बाद मैं जाऊंगी नाश्ते। केले की सब्ज़ी, केले को पहले फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसको निकाल दूँगी। निकालने के बाद ये प्याज डाल दूँगी और इसमें लहसुन, मिर्चा, जीरा, धनिया और गोल मिर्च पीसी हुई है। यहाँ पे मैं केला फ्राई करके निकाल ली। उसके बाद से मैंने प्याज भून कर फिर मसाले जो मैंने पीस रखे थे उसको डाल दिया और फिर ये गरम मसाला मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ, 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है। उसके बाद इसी में मैं नमक और हल्दी दोनों इसमें डाल दूँगी जिसको टमाटर डालना हो टमाटर भी डाल सकता है। इसको फ्राई करने के बाद ही मैं इसमें केले डालूँगी। अब मैं इसमें केले भी डाल चुकी हूँ और इसको अच्छी तरह से मिला दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल दूँगी, फिर ढक दूँगी। और केला तो वैसे बहुत जल्दी गल जाता है, इसीलिए इसको ज़्यादा चलाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो टूट ही जाता है, तो बहुत हिसाब से चलाना पड़ता है। और मैं 1/2 कप पानी ही इसमें डालूँगी क्योंकि मुझे सूखा ही चाहिए। तो ये देखिए, मैंने वही मिक्सर जिसमें मसाला पीस रखा था मैंने उसी को धुल के मस थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया ताकि ये अच्छे से उसके मसाले वगैरह सब कुछ उसी में एक साथ मिल जाए। उसके से मुझे सूखा ही चाहिए, फिर मैं उतार दूँगी इसको। अब इधर मैं अपना रोटी बनाने लग गई। एक तरफ मेरी सब्जी हो गई और एक तरफ मैं अब रोटी बनाऊँगी फटाफट। और ये देखिए, मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल सूखी सब्जी। और मैं अब गैस ऑफ कर दे रही हूँ और ये मेरी रोटी भी तैयार हो चुकी है। चलो डागी को खिला दो। चलो चलो चलो, क्या बन गया? पिज्जा बन गया, दिखा। ये अपने रोटी को ऐसे मोड़ के पिज्जा टाइप से बना के तब डॉगी को देते हैं। अभी इनका नज़ारा देखिएगा आप लोग। रोटी जाके नीचे रख के आएंगे और रोटी थोड़ी सी भी पिज्जा से इधर उधर टेढ़ी हो गई, फिर उसको पिज्जा बनाएंगे। इनको मतलब फोल्ड करके उसके बाद से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके अच्छा, पिज्जा बना के पिज्जा बन गया है। तो ये डॉगी को पिज्जा खिला। अरे ठीक है, रहने दो, पिज्जा नहीं बनेगा। चलो, अरे यार तुम कितनी बार पिज्जा बनाने जा रहे हो? गंदा पानी आ गया। आज हम लोग छत पे, मतलब सबसे ऊपर वाले छत पे गए हैं। हमेशा तो आपको हमेशा 2 तल्ले का ही व्यू दिखाती थी हमेशा, बट आज हम लोग गए सबसे ऊपर। और ये मैं खा रही हूँ संतरे और उसके छिलके वही दीवार पे मैं रखी हूँ सूखने के लिए। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बस थोड़ी देर में हम लोग बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गया था छत पे नहीं गए थे तो बस घूमने गए थे। ये है सबसे टॉप, मतलब छत का है, छत से मैं ये पूरा चारों तरफ का आपको व्यू दिखा रही हूँ। देखिए, पूरा मेरे घर के पीछे खेत ही खेत है और ये पूरा जलकुंभी है, पानी भरा हुआ है।
ये मैं शाम का चाय बना के ले आई हूँ। तो चाय वही पी रही हूँ। और ये देखिए अन्नू क्या किया है, ये इनके पापा का पुराना मोबाइल है और उसमें इसमें लगा के ऐसे इनको भी फोटो वोटो खींचना है कह रहे हैं। और ये शाम का हम लोग का नाश्ता है, ये है पास्ता। और ये पास्ता बड़ी अजीब तरीके से बना हुआ है क्योंकि बस मिर्च डाल के और इसको वॉश करके पानी के साथ इसको डाल दी और ये पास्ता पक गया। इसको मैं ना उबाली ना कुछ की, बस ये पटापट वाला पास्ता हो गया तैयार। तो ये अन्नो को मैं खिला रही हूँ पास्ता, मैं पहले ही खा चुकी हूँ। वैसे टेस्टी ही बना था, कुछ भी नहीं पड़ा था, फिर भी भाई भूख लगे तो सब कुछ अच्छा लगता है। क्या टूटा, तुम फोटोग्राफर हो? यहाँ पे हम लोग की मस्ती चली हुई है और ये बोल रहा इतना सुंदर क्या करूँ। आजकल वो जो गाना चला हुआ है ना उसी का सुन के तो ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं इतना सुंदर का करूँ। तो वही हम भी बोलते हैं इतना सुंदर का करूँ। इनको सही से बोल नहीं पाते तो वही बोलते हैं ये। आज रात के खाने की तैयारी ये चली हुई है और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा और मीठी चटनी टमाटर की। तो ये मैंने पहले पचफोरन से तड़का दे दिया है, उसके बाद से मैंने इसमें प्याज डाला काट के और छोटा छोटा बारीक। उसके बाद से मैंने लहसुन मिर्ची का पेस्ट इसमें डाला और अदरक थोड़ा सा मैंने डाला इसमें। उसके बाद से ये है धनिया इसमें डाला, नमक डाला मैंने और चाट मसाला मैंने इसमें डाल के आलू को खूब अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। उसके इस आलू को मैं कढ़ाई में डाल के भून दूंगी अच्छी तरीके से। और अब अच्छे से खूब ये मेरा आलू जब लाल हो जाएगा तो मैं इसको उतार दूंगी नीचे करके। और अभी मेरा ये आलू अच्छी तरीके से हो गया है, अब मैं जा रही हूँ मीठी चटनी बनाने। तो इसके लिए मैंने इसमें छोटा छोटा मैंने लहसुन काट दिया है और मैंने थोड़ा सा अदरक भी उसमें ग्रेट कर दिया और थोड़ा सा अदरक भी मैंने ग्रेट कर दिया है। और इसके बाद से मैं इसमें डालूँगी पचफोरन, ये थोड़ा सा पचफोरन मेरा। और इसके बाद से ये खूब अच्छे से लाल हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। ये देखिए मेरा अदरक भी इसमें डाला था मैंने ग्रेट करके, वही दिखा रही हूँ। अब इसमें मैं दो सूखी मिर्च भी डालूँगी, दो या तीन अपने हिसाब से। ये मेरा खूब अच्छे से लहसुन जब लाल हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और टमाटर खूब अच्छे से भून लूंगी। आप चाहें तो टमाटर ग्रेट टमाटर को चाहें तो आप अच्छे से मतलब मिक्सर में पीस के भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें छोटा छोटा इसको काट के मैंने डाला है। लेकिन आप मिक्सर में पीस सकते हैं या तो और भी छोटा छोटा कट कर सकते हैं। इसके बाद से टमाटर को खूब अच्छी तरह से भूनने के बाद मैश करने के बाद देखिए खूब अच्छे से टमाटर मैश हो गया है मेरा। उसके बाद ही मैं इसमें गुड़ डालूंगी और गुड़ अपने अंदाज से डालिएगा अपने स्वादानुसार। तो जिसको ज़्यादा गुड़ चाहिए होता है, जिसको कम चाहिए होता है, मतलब एक इसका सही मतलब वो मेंशन होना चाहिए ताकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था आज क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी थी और एक हाथ से डाल रही थी तो गुड़ का अंदाज़ा मुझे सही तरीके से नहीं मिला। मुझे थोड़ा सा गुड़ कम करना चाहिए था बट फिर भी ठीक था। और आप लोग अपने अंदाजे से एकदम अच्छे से परफेक्ट गुड़ डालिएगा, जैसे हम लोग समोसे की चटनी बनाते हैं दुकान पर जैसे मिलती है सेम वैसे ही। और इसमें मैंने डेढ़ गिलास पानी डाला है इसको अच्छे से गलने उलने के लिए। आप सब अगर जो मिक्सर में पीस कर टमाटर डालना है तो एक ही ग्लास पानी डालिएगा। अब ये मेरी चटनी हो गई है खूब अच्छे से तैयार और इधर मेरा आलू का पराठा भी हो रहा है तैयार।
ये गाढ़ी हो चुकी है मेरी चटनी, अब मैं इसको उतार दूँगी। ये गर्मा गर्म मेरा आलू का पराठा भी हो गया, अब हो गया है सब कुछ खाने के लिए रेडी। ये चटनी एकदम हो गई अब रेडी, हल्की फुल्की जो कसर थी वो भी निकल गई, और अब मैं जा रही हूँ देने खाना। ये इनके दीदी के लड़के, उन्हीं को मैं खाना दे के आई हूँ अभी। अब ये अपने मैं जा रही हूँ खुद खाने। खाने जा रहे हैं अब हम लोग, खाना खाने जा रहे हैं, चलो रेडी। ठंड में आइसक्रीम खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। मेरे पेट में थोड़ी सी जलन होने लग गई थी, तो मैं आइसक्रीम मंगवाई थी तो रखी थी, तो वही मैं निकाल के थोड़ा सा आइसक्रीम खाई, तो फिर मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। और ये आइसक्रीम, ये एक दिन पहले की वीडियो थी, इसी में मैंने ऐड कर दिया, बची थी थोड़ी सी तो। और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी कामना है। प्लीज़ अगर जो मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।